Hello everyone, welcome back to my channel. This video is all about how to prepare for interview, whether it is on campus or it is off campus. Firstly, let me give you my introduction. I have qualified as a chartered accountant in the November 2020 batch. I have given 4 interviews in total and luckily I got selected in all 4. इसके अलावा मैंने मेरे फ्रेंड से बात करी है जिन्होंने अभी इंटरव्यूज किए थे एंड मैंने उनसे सारे क्वेश्चंस लेकर के नोट डाउन कर लिए हैं जो उनसे पूछे गए थे. सो मैंने इनसे कुछ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन निकाले हैं जो मोस्टली कंपनीज पूछ रही हैं एंड आई एम रियली श्योर कि ये आपकी हेल्प करने वाले हैं. सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना. तो सबसे पहले कैसे स्टार्ट करें हम प्रिपरेशन. सो मैंने कैसे स्टार्ट किया था, सबसे पहले आप अपना रिज्यूमे उठाओ. आपने जो जो चीजें रिज्यूमे में लिखी हैं वो सब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए. तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले कुछ ब्लैंक पेजेस उठाए, अपना मैंने वर्क एक्सपीरियंस वाला कॉलम उठाया एंड उसके बाद उसमें मैंने जो भी लिखा था ऑडिटिंग में, सो मैंने लिख दिया कि इस इंडस्ट्री में क्या मैंने किया था एंड क्या मेरा रोल था वहां पर एज अ ऑडिट. और अगर मैंने कोई बड़ी क्वेरी वहां पर ढूंढी थी तो वो भी आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि हम भूल जाते हैं बहुत सारी चीजें, हमने बहुत सारे काम कर रखे होते हैं 3 साल में. तो सारी चीजें आप नोट डाउन करो और उस कंपनी के बारे में भी लिखो, जो भी आपका क्लाइंट है ना थोड़ा सा उसके बारे में लिखो कि उसका टर्नओवर कितना था. क्योंकि अगर अचानक से इंटरव्यू ने पूछ लिया तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो ऑडिट आपने नहीं किया है या कुछ भी, उन्हें डाउट नहीं होना चाहिए. सो इसीलिए मैंने सारी चीजें अपने पेपर में नोट कर ली थी कि आपने कहाँ पर क्या काम करा है. तो सबसे पहले ये काम कर लो आप, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आपको अपना रिज्यूमे पूरा आता है. और अगर आपने अपने रिज्यूमे में हॉबीज लिखी हैं जैसे कि बैडमिंटन है, कुकिंग है, कुछ भी आपने हॉबी लिखी है तो उसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. कुछ अगर अचीवमेंट्स लिखे हैं, अगर कुछ स्ट्रेंथ लिखी है तो स्ट्रेंथ को प्रूव करने के लिए आपके पास एक तो एग्जाम्पल होने चाहिए. तो आपको क्या करना है, बेसिकली रिज्यूमे से उठा करके सारी चीजें आपको अपने ब्लैंक पेपर पर लिखनी है और हर चीज के पीछे जहां पर भी नॉन टेक्निकल चीजें हैं वहां पर आपको उन सब के पीछे स्टोरीज बनानी है. अगर स्टोरीज हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो बनानी है आपको स्टोरीज. ठीक है, के बाद हम टेक्निकल क्वेश्चंस के लिए कैसे तैयार रहेंगे. तो सबसे पहले हमें हमारे सीए फाइनल के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं. अब उसमें मैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक बता देती हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसके 90% चांसेस है वो पूछे जाएंगे. मेरे चारों इंटरव्यू में ये टॉपिक्स पूछे गए थे एंड इसके अलावा जो मेरी फ्रेंड से बात हुई है वहां पर भी ये टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं. सो हमारा पेपर नंबर 1 होता है FR, एंड FR में सबसे इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक है इंडियाज 115 एंड 116. किसी भी जॉब प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू दो वहां पर ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. सो इंडियाज 115 एंड 116 आपको अच्छे से आना चाहिए. इसके लिए आपके पास यूट्यूब पे कई सारे लेक्चर्स हैं, वो रेफर कर सकते हो. सो आप वो देख लो, आपके पास कोई चार्ट है उसे रिवाइज कर लो या फिर अपनी जो पुरानी कॉपीज है उनसे आप रिवाइज कर सकते हो. इनके अलावा FR में इंडियस 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इन्वेंट्री वाला इंडियस है. एंड जिस भी कंपनी में आप जा रहे हो एक बार चेक करो कि उस कंपनी में इन्वेंट्री क्या हो सकती है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमनली पूछा जाता है कि आपके हिसाब से हमारी कंपनी में इन्वेंट्रीज क्या होंगी. इसके अलावा अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा करना हो तो आप एसेट बेस्ड सारे इंडेस कर सकते हो. एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डेफर्ड टैक्स. डेफर्ड टैक्स आप बहुत अच्छे से करके जाना, उसके सारे एडजस्टमेंट करके जाना. एक जगह पर ऐसा पूछा गया था कि उन्होंने एक पूरी केस स्टडी दे दी थी, ऐसा ऐसा है अब डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करके बताओ, एंड उसके बाद उन्होंने कुछ एडजस्टमेंट दिए थे तो वो भी पूरा कैलकुलेशन बतानी पड़ी थी. सो डेफर्ड टैक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ये अक्सर पूछा जाता है. इसके बाद SFM बहुत रेयर है, मतलब बहुत ही मुश्किल है अगर कोई कंपनी से पूछे तो, बट फिर भी अगर कोई पूछता है तो इसमें आपके पास कम से कम बेसिक नॉलेज ऑफ डेरिवेटिव्स, बेसिक नॉलेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इतना तो आपको बहुत अच्छे से आना ही चाहिए. एंड इसके अलावा जैसे आर्बिट्रेज के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके वो लोग एग्जांपल्स दे देते हैं. एक विप्रो में मेरी एक फ्रेंड से पूछा गया था सो आर्बिट्रेज के बारे में. सो बेसिक नॉलेज तो हमें ऑलरेडी होती है, बट एक बार आप ब्रशअप कर लेना थोड़ा सा. नेक्स्ट सब्जेक्ट इज ऑडिट. ऑडिट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी जगह आपसे ऑडिट के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. अगर आप बिग 4 में जा रहे हो तो वहां पर ऑडिट भर भर के पूछा जाना है आपसे. एंड ऑडिट में मुझे ऐसा लगता है कि सीए फाइनल के ऑडिट से ज्यादा हमारे IPCC का सिलेबस यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑडिट में बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे कि रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है, ऑडिट प्रोग्राम ड्राफ्ट करके बताओ, कुछ भी केस स्टडी दे देंगे और बोलेंगे कि इसकी आप कैसे आप इसका ऑडिट करोगे, कैसे आप इसकी स्ट्रेटेजी बनाओगे, इसका प्रोग्राम ड्राफ्ट करके बता दो, ऑडिट प्लानिंग क्या होती है. इसके अलावा किसी भी एसेट को आप कैसे वेरीफाई करोगे, कैसे उसकी वाउचिंग करोगे. तो अगर आपके पास कहीं भी IPCC वाली कॉपी है ना तो आप उसको रिवाइज कर लो, आपका ऑडिट पूरा तैयार हो जाएगा. एंड थोड़ा सा जो कंपनी ऑडिट वाला पार्ट है वो आप कर लीजिएगा. एंड कारो बहुत इंपॉर्टेंट है. कारो 2020 पढ़ लेना, वो हमारे सिलेबस में नहीं था बट कारो 2020 हर जगह पूछा जा रहा है, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉस्टिंग में कुछ खास ऐसा नहीं है. कॉस्टिंग में बहुत मुश्किल से ही कोई क्वेश्चन पूछेगा, बट अगर किसी को पूछना है ना तो वो जरूर टेस्ट करेंगे आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला पार्ट और बजटरी कंट्रोल. ये दोनों चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए. इसके अलावा ट्रांसफर प्राइसिंग भी आप थोड़ा सा कर सकते हो.
नेक्स्ट सब्जेक्ट इज डायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स वहां पर टेस्ट होगा जहां पर भी आपकी टैक्सेशन की प्रोफाइल है, और अगर नहीं भी है ना तो भी बेसिक जनरल नॉलेज के लिए वो डायरेक्ट टैक्स में ये जरूर पूछेंगे कि अभी रिसेंट बजट में डायरेक्ट टैक्स में क्या अमेंडमेंट आया है. इसके अलावा जो अपना टैक्स ऑडिट वाला पार्ट होता है, टैक्स ऑडिट प्रिजम्पटिव स्कीम, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं. एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन में ट्रांसफर प्राइसिंग इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट. ट्रांसफर प्राइसिंग बहुत अच्छे से आना चाहिए. किसी भी जॉब प्रोफाइल का इंटरव्यू दो, ये क्वेश्चन वहां का जरूर होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर प्राइसिंग, और ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं. सो ट्रांसफर प्राइसिंग अच्छे से अपना स्ट्रॉन्ग कर लेना, कोई भी जॉब प्रोफाइल हो ट्रांसफर प्राइसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद आईडीटी में वो लोग बहुत केस स्टडी बेस्ड पूछते हैं. अभी तक तो मुझसे आईडीटी में कहीं कुछ पूछा नहीं गया था, और बट मेरी एक फ्रेंड से बात हुई थी, वहां पर आईडीटी में उन्होंने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे कि ये ट्रांजैक्शन है तो यहाँ पर जीएसटी का क्या ट्रीटमेंट होगा, और यहाँ पर आईजीएसटी लगेगा या सीजीएसटी लगेगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है. तो आपको आईडीटी बस एक बार थोड़ा सा रिवाइज करना है एंड वो आपको फिनिश हो जाएगा. तो टेक्निकल पार्ट के लिए आपको ये सारे सब्जेक्ट्स में इतने टॉपिक्स तो पढ़ने ही हैं. इसके अलावा अगर आप पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है वो कुछ भी टेस्ट कर सकते हैं. इतना पढ़ने के बाद आपको एक बेसिक तैयारी करनी है किसकी, रेशियो एनालिसिस की. रेशियो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहीं भी पूछा जा सकता है. एंड रेशियो एनालिसिस आपको आना चाहिए, बैलेंस शीट पढ़ना आना चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए. टेक्निकल एनालिसिस पढ़ने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, बट फंडामेंटल एनालिसिस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, शेड्यूल 3, उन सबके लाइन आइटम्स, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बिग फोर में तो बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं. एंड कहीं और भी इंटरव्यू दे रहे हो तो रेशियो एनालिसिस तो आपको जरूर पूछ सकते हैं. सो थोड़ा बहुत बेसिक जो रेशियोज थे हमारे 11th 12th वाले, कंपैरेटिव एनालिसिस, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है. इसके अलावा जब आपको पता चल जाए कि आपका कौन सी कंपनी में इंटरव्यू है, तो उस कंपनी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है. एंड कंपनी के बारे में पढ़ने का बेस्ट तरीका होता है आप उसकी एनुअल रिपोर्ट उठाओ, और वो भी आपको पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है. वहां पर जो मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस वाला पार्ट होता है उसमें बहुत सारी चीजें दी रहती हैं. उसके अंदर फाइनेंशियल्स भी होते हैं और एनालिसिस भी होता है, हर चीज होती है, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, सब कुछ आपको पता चल जाएगा. तो आपको बस मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस वाला पार्ट अच्छे से पढ़ना है ध्यान से. एंड कुछ भी कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछा तो आपको वहीं से बताना है. जनरल नॉलेज बहुत वास्ट है, आप उसे पूरा नहीं पढ़ सकते इतने कम समय में. तो जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है, जब आपको इंटरव्यू की डेट मिलती है, उसके बाद जिस भी सेक्टर में वो कंपनी है उस सेक्टर से रिलेटेड आपको जनरल नॉलेज पढ़नी है. उसके अलावा थोड़ी बहुत फाइनेंस रिलेटेड और बिजनेस रिलेटेड न्यूज पढ़नी है, क्योंकि वही काम की होती है, वही पूछी जाएगी. जो इंडिया की इकोनॉमी को इफेक्ट करती है वो न्यूज भी आपको अच्छे से पढ़नी है, जैसे कि कोविड अभी बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है, तो मैक्सिमम जगह यही पूछा जाता है कि कोविड के क्या इंपैक्ट्स इंडियन इकोनॉमी पर, या फिर हम कैसे इससे रिकवर कर सकते हैं, सजेशंस वगैरह मांगे जाते हैं. तो वो बस चेक करने के लिए होता है कि आप कितने अवेयर हो जनरल नॉलेज को लेकर के. तो इतना आप जनरल नॉलेज में कर लोगे तो इट इज मोर देन एनफ. तो इस तरीके से आपको अपने टेक्निकल राउंड की पूरी तैयारी करनी है. इसके बाद जो एचआर राउंड होता है, वहां पर मैंने क्या किया था, मैंने एक ब्लैंक पेज में सारे क्वेश्चंस लिख लिए थे कि क्या क्या क्वेश्चंस एचआर राउंड में हो सकते हैं जो कॉमन है और जिनके मुझे आंसर अभी से प्रिपेयर कर लेने चाहिए. सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा टेल मी अबाउट योरसेल्फ. अपना एक बहुत अच्छा क्लासी इंट्रोडक्शन आपको तैयार करना है. इस क्वेश्चन को वो लोग रन मी थ्रू योर सीवी करके भी पूछते हैं. एंड कभी कभी वो ये पूछते हैं कि टेल मी समथिंग विच इज नॉट मेंशन इन योर सीवी. तो ये दो क्वेश्चन के आंसर आपको प्रिपेयर करने हैं, ये उनका पहला क्वेश्चन होने वाला है. एंड ये वो क्वेश्चन है जहां पर आप बहुत ईजिली किसी भी इंटरव्यू को इम्प्रेस कर सकते हो. इसके बाद आपको अपनी दो स्ट्रेंथ और दो वीकनेस अपनी आइडेंटिफाई करके रखनी है, और ये भी कि आप अपनी वीकनेस को ओवरकम करने के लिए क्या कर रहे हो. एंड स्ट्रेंथ अगर वो चीज आपकी है तो आपको कैसे पता कि वो आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपके पास कोई ऐसा एग्जांपल है, नहीं है तो बना लो. इसके बाद आपको अपनी आर्टिकलशिप से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज तैयार करनी है. स्टोरीज मतलब कि फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी एक स्टोरी जहां पर बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर था, वहां पर आपने क्या किया, आपने कैसे काम किया अपने प्रेशर में. इसके अलावा कहीं पर आप टीम लीडर थे तो आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था वहां पर, अगर आप कोई टीम मेंबर थे तो आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था. और जो भी स्टोरीज हो सकती हैं आर्टिकलशिप से रिलेटेड, जैसे कि अगर ऑफिस में प्रिंसिपल नहीं थे तो आपने क्या किया, कैसे आपने मैनेज किया, कभी कोई ऐसा काम आ गया जो आपको नहीं पता था जिसके बारे में कुछ भी, वो आपने कैसे मैनेज किया. तो आर्टिकलशिप से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं आपके साथ घटी है ना, कोई भी अगर अच्छी घटनाएं हैं, तो सारी की सारी आप स्टोरीज बढ़िया प्रॉपर इंग्लिश में तैयार करके रखें, वो स्टोरीज कहीं भी चिपकाने के काम आ जाती हैं. इसके अलावा जो भी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, मैंने उसकी एक पीडीएफ बनाई है एंड वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया, तो आप प्लीज उसे डाउनलोड करें एंड हो सके तो सारे क्वेश्चंस के आंसर लिख लें, वो आंसर आपको कहीं ना कहीं जरूर काम आ जाएंगे. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.